गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन
अंदर राम चरित मानस में बंदे वाणी विनायकों किसी भी कट्टर वरिष्ठों के ग्रंथ में वाणी विनायक की वंदना पहले से मिलती है। जिस सुमिरत स्थिति हो गण नायक करीवर भजन से रामायण प्रारंभ करके वो स्वामी जी ने वंदना की। प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा जो है सबसे पहले होती है। ये हमारे इंद्रिय कण के मानव कण के मनोवृत्ति कण के स्वामी है, इनको ईश बोलते हैं। ईश गीता नाम से एक गीता भी है, गणेश गीता भी है और ईश गीता भी है। गणेश गीता तो पूना के आनंदाश्रम से प्रकाशित हुई थी और ईश गीता काशी से भारत धर्म महामंडल है। इसलिए गणेश का नाम लेकर कोई कार्य आरंभ करना ये सनातन धर्म के अनुसार है। और ओम तत्सत तो गीता का एक खास शब्द है और गीता में इतनी ही बड़ी महिमा है। ओम तत्सत इति निर्देशो ब्राह्मण प्रतिवर्ता ब्राह्मणास्तेन वेदास्तेन यज्ञास्तेन गीतास्तेन। तो ओम तत्सत ये भगवान के नाम है, तीनों अलग अलग नाम है। ओम इति ब्रह्म तदिति ब्रह्म तदिति ब्रह्म और सब शब्द की तो डिक्शनरी गीता में है। सद्भावे साधु भावे सदिते प्रसन्ते कर्मणि तथा सत्शब्द पाप संयुज्यते यज्ञे तपति दाने स्थिति सदिते कर्म देव तदर्शियम सदित सेवा विधीयते। सब शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, ये बात गीता में कही हुई है। इसलिए ये भगवान का एक वैदिक परम प्रसिद्ध नाम है और भगवान के नाम का उच्चारण करने से सब अमंगल सब विघ्न दूर हो जाते हैं। माधवी जी ने मुझसे श्रीमद् भागवत का श्रवण किया, माधवी ने उन्होंने कहा कोई भी काम तो बोले कि जब मैं नारायण 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 कहकर निकलता था घर से तब तो हमें बड़ी सफलता मिलती थी और जब मैं भूल जाता था बोलने में तो एक बार विफल होकर के लौटता था। एक बात ऐसी है कि मालवीय जी घर से निकले तो नारायण 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 चार बार नारायण नाम बोलने में क्या आदत है और जय रामपुर के नवाब के पास विश्वविद्यालय के लिए चंदा लेने गुजरों के नवाब बड़े कट्टर मुसलमान थे, हिंदू विश्वविद्यालय के लिए क्यों चंदा देते। अंत में उन्होंने कहा कि माधवी जी में अपना झूठा दे सकता और मालवी जी महाराज महापुरुष उन्होंने अपना दुपट्टा खोल के पैदा दिया। जवाब साहब आप अपना झूठा दे दीजिए। अब महाराज हाँ में दुपट्टे में झूठा लेकर के मालवी जी चले आए और शाम को रामपुर शहर में मीडिया पर निकल गया। मालवीय जी को चंदे में चिंता लगा है प्रभाव साहब का और उसका नीलाम होगा। सब तो महाराज ऐसी बदनामी
मेरी नवाब साहब की उन्होंने आदमी भेजा मंत्री जी के पास कि हमारा जिंदा कैसे भी वापस बुलाओ, लाख रुपया दे दो, दो लाख रुपया दे पर हमारा जिंदा वापस कर दो। तो पहले तो मालवीय जी बोले कि मेरे मन में आया कि नारायण नारायण करके नवाब के पास गया और मिला जिंदा, लेकिन महाराज वहां पे भी नारायण नाम जो है वो लाख दो लाख रुपया से आ गया। तो नारायण भगवान के नाम की बड़ी महिमा है और ये ओम तत्सत तो भगवान का वैदिक नाम है और इसका उच्चारण करना श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ये सूचित करता है कि भागवत एक वैदिक ग्रंथ है वेद शास्त्र के अनुसार और वही सिद्धांत है जो सर्वत्र है। संसार
और इसी के कारण मनुष्य को जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ता है। यदि उसके मन में मैं मेरा न हो तो वो संसार के चक्र में नहीं फंसेगा। ईश्वर की सृष्टि किसी को बंधन में नहीं डालती है, जीव की सृष्टि ही बंधन में डालती है। ऐसा श्री मध्वाचार्य जी महाराज ने संसार और जगत का भेद किया है। जगत ईश्वरीय है, उसमें बंधन नहीं है, और संसार जैव है, अयुक्त नहीं है, जैव है। इसलिए नारायण उसमें बंधन के कारण मौजूद रहते हैं। ये बात केवल बल्लभाचार्य जी की हो तो बात नहीं, उनसे भी पहले वेदांतियों में श्री विद्यानंद स्वामी ने, पंचवर्षी ने ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि नाम की दो सृष्टि का वर्णन किया है, और उसका अर्थ ये है कि संसार में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि जो ईश्वर की बनाई हुई चीजें हैं, वो तो ज्ञान होने के बाद भी ज्यों की त्यों दिखती रहती है। मैं और दिखती है, इसको सृष्टि दृष्टि बात बोलते हैं। इसमें आभासवाद, प्रतिबिंबवाद, अवच्छेदवाद, ये सब सृष्टि दृष्टि बात के भेद होते हैं। और जब जब सृष्टि है तभी तब सृष्टि है, ये सृष्टि सृष्टिवाद का एक मामूली भेद है। जैसे स्वप्न जितन जावत काल सृष्टि है, तावत काल ही स्वप्न की सृष्टि है। तो यंत्र यंत्र सृष्टि, तत्र तत्र सृष्टि, ये स्वप्न है। और सृष्टि है तब सृष्टि है, ये जागृत अवस्था है। और सृष्टि न होने पर सृष्टि भी नहीं है, इसलिए सृष्टि ही सृष्टि है, ये सुषुप्ति अवस्था है। नारायण और ये तीनों अविद्या की वृत्ति है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, सृष्टि सृष्टि ही अविद्या के संबंध से है। यंत्र यंत्र सृष्टि, तंत्र तंत्र सृष्टि, उसमें केवल दो ही अवस्था मानी जाती है, स्वप्न और सुषुप्ति, जागृत अवस्था नहीं मानी जाती। और सृष्टि दृष्टि में जागृत अवस्था भी मानी जाती है नारायण, और उसमें आभासवाद अधिवाद होते हैं। तो विद्यानंद स्वामी की दृष्टि में ईश्वर सृष्टि तो है आकाश से लेकर के तीन पतंग पर्यन्त, प्रकृति से लेकर के और स्त्री पर्यन्त, ये ईश्वर सृष्टि है। और इसमें कहीं भी दोष नहीं है, दुख बंधन नहीं है, परंतु जीव है अविद्या के कारण भ्रांति से जो मान रखता है कि ये मैं हूँ, तो उसके मरने का डर लगता है, और ये मेरा है तो उसके छूटने का डर लगता है, और इस प्रकार मृत्यु और भय से दुखी हो गया है। विद्यानंद स्वामी से भी पहले सांख्य सिद्धांत का जहाँ विचार हुआ, वहाँ सृष्टि दो तरह की मानी गई। एक प्रकृति का परिवार है और एक अविवेक का परिवार है। जो दर्शन में भी इसको प्रकृति का परिवार और अविद्या का परिवार माना जाता है। तो अविद्या में पांच क्लेश हैं। एक तो आदमी को नासमझी से दुख होता है। कई बार हमारी समझ में हम अपने हितैषी को भी अपना कर्तव्य समझ बैठे हैं और उससे बड़ा दुख होता है। जैसे बच्चा है, डॉक्टर बन
के हाथ में सूप देख करके रोने लगता है तो उसका जो दुख है वो नासमझी के कारण है। किसी किसी को अस्मिता के कारण दुख होता है। मैं इतना बड़ा विद्वान और मुझे ये छोटा समझता है। अस्मी अस्मी इस वृत्ति में फंस जाने का नाम अस्मिता है। कोई किसी से मोहब्बत कर लेता है रात तो उससे दुख दुखी होता है। कोई किसी से प्रेम कर लेता है तो उससे दुखी होता है। किसी को कहीं अभिनिवेश हो जाता है। अरे इस बार कब तो मैं ये काम हुआ पैसा गया तो मैं मर जाऊंगा, स्त्री गई पुरुष गया तो मैं मर जाऊंगा। ये जो मरण पर्यंत दुख होता है विदुषों की कथा हो अभिनिवेशा, ये जो है ये अविद्या की सृष्टि है। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये पांच प्रकार के जो क्लेश हैं ये अविद्या के परिवार में है और प्रकृति के परिवार में प्रकृति महातत्व अहंकार तत्व पंच तन्मात्रा पंच महाभूत और पंच महाभूतों से बने हुए चराचर शरीर ये सब प्राकृत है। प्राकृत सृष्टि किसी को दुख नहीं देती है। मूर्खता की जो सृष्टि है वही सबको तकलीफ देती है। इसलिए श्री बल्लभाचार्य जी का जगत और संसार विद्यारण्य स्वामी का ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि और शांत योग का नाहम नमे इत्य परिचितम अभिपर्या विशुद्धम केवल उत्पद्यते ज्ञानम न रहे न कुछ परिच्छिन्न पदार्थ मैं हूँ और न तो दुनिया में कोई मेरा है। ये ज्ञान जहाँ हुआ वहाँ संसार की निवृत्ति हो गई, जन्म मरण से छूट गए, होश बेहोश से छूट गए, सुख दुख से छूट गए। तो ये बात तो पहली कही है, पुरानी ही है, लेकिन आचार्य लोग नए नए ढंग से बोलते हैं। इसलिए नारायण प्रकृति और प्राकृत ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि और जगत और संसार ये हमारे शास्त्रों में बहुत प्राचीन काम से हमारे दुख निवृत्ति के लिए उपाय, हमारे दुख की निवृत्ति के लिए उपाय के रूप में वर्णन किए गए हैं। नारायण अब आप देखो इन उपायों का आलम्बन लेकर दुख से छूटने का कितना प्रयास करते हो। अष्टम अध्याय के पहले दो से श्लोक है जिसमें राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है तो जैसे कि भगवान आप भूत नेताओं में रहते हैं, मैं आपको ये जानना चाहता हूँ कि ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को आदेश दिया तब तुम्हारे तीन तीन लोगों के रूप में उसे दिए। तो प्रश्न के अंदर प्रश्न ये है कि राजा परीक्षित ब्रह्मा जी को सर्व तत्व मानकर चलते हैं तो जब ब्रह्मा जी की निर्गुण की सत्ता को स्वीकार करते हैं क्या तो निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन का आदेश नारद जी को क्यों मिला जबकि वह तो सर्वों से बढ़ते हैं इसके बारे में। देखो जब तक हम सगुण हैं तब तक सब सगुण ही सगुण है क्योंकि हम अपनी सगुण दृष्टि से निर्गुण को देख ही नहीं सकते। जब हमारी दृष्टि में से हमारे ज्ञान में से गुण का अपवाद हो जाता है तब आत्मरूप से निर्गुण का अनुभव होता है। निर्गुण कहीं वैकुंठ में नहीं बैठता है, सातवें आसमान में नहीं होता है और न तो हृदय के अंतर देश में छिपा हुआ होता है और न तो कभी बाहर न भीतर नया नया नवा
जब तक हम देहधारी परिस्थिति से सगुण होकर के बैठे हुए हैं तब तक हमारी दृष्टि से परमात्मा सगुण मालूम पड़ता है। इसलिए जितने भी प्रश्न उत्तर होते हैं, चाहे ब्रह्मा करें चाहे नारद करें, प्रश्न तो गुण का आधार लेकर के ही होता है। अंत में गुणों का अपवाद करके असत निरसनेन भवन निरना, जब गुण का अपवाद हो जाता है तब निर्गुण रूप में अपना ही साक्षात्कार होता है, दूसरे का नहीं। दूसरे को तो हम निर्गुण के रूप में देख ही नहीं सकते, हमसे अन्य किसी निर्गुण वस्तु का साक्षात्कार हमको नहीं हो सकता। उसमें कोई न कोई गुण होगा तभी साक्षात्कार होगा। इसलिए ये जितने उपासना संबंधी शास्त्र होते हैं वे चिंतन करने के लिए गुणों का वर्णन करते हैं और अपवाद करने के लिए गुणों का वर्णन करते हैं। जिज्ञासुओं के लिए अपवाद और उपासकों के लिए ध्यान, इसके लिए भगवान के गुणों का वर्णन होता है। और ब्रह्मा जी भी कहो चाहे शिव जी कहो चाहे विष्णु जी कहो चाहे दत्तात्रेय वशिष्ठ जी कहो चाहे रामकृष्ण कहो, जो अमली वस्तु है उसको तो सब मानते ही हैं। उनका यहाँ तक कि जो लोग सगुणवादी हैं, श्री रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री निम्बार्काचार्य, श्री वल्लभाचार्य और भी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, श्री रामानंदाचार्य, ये सब वैदिक आचार्य हैं, तो इनको वेद मानना पड़ता है। और वेद में परमात्मा को निर्गुणम निष्क्रियम शांतम, परमात्मा निर्गुण है ऐसा कहा हुआ है। तो वेद में कही हुई बात को वो काट तो सकते नहीं, तो उनकी व्याख्या अलग अलग ढंग से करते हैं। कि शंकराचार्य कहते हैं कि उसमें कोई गुण नहीं है, श्री रामानुजाचार्य कहते हैं कि उसके जो आजीव से अनंत कल्याण गुण है अपने, वे तो उसमें है ही, उसमें प्रकृति के माया के गुण नहीं है, ये कहने के लिए उसको निर्गुण कहा हुआ है। वेद में जो निर्गुण शब्द है उसको तो सभी आचार्य मानते हैं और सभी उसकी व्याख्या करते हैं, इसलिए निर्गुण शब्द से भड़कना नहीं चाहिए, विचकना नहीं चाहिए। नारायण निर्गुण शब्द तो सभी वैदिक संप्रदाय के आचार्यों को मान्य है, उसकी व्याख्या भी अपने अपने ढंग से अलग अलग करते हैं। तो प्राकृत गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण जो प्राकृत हैं, ये परमेश्वर में नहीं होते, इसलिए उसको निर्गुण कहा हुआ है, ऐसा वैष्णवाचार्यों ने उपासकों ने माना है। और जो अपना स्वरूप भूत गुण है वो तो परमात्मा में है ही, वो तो सच्चिदानंद को भी गुण ही मानते हैं परमात्मा का। इसलिए आप ब्रह्मा जी निर्गुणवादी हैं या विष्णु भगवान निर्गुणवादी हैं ये सुन के भड़किए मत, क्योंकि जो वेद शास्त्र को मानने वाला है या वेद शास्त्र के अनुसार चलने वाला है, निर्गुण माने बिना उसकी कोई गति नहीं हो सकती, वो अवैधिक हो जाए। तो परमात्मा की परमात्मा शक्ति की महाकाली महालक्ष्मी और सरस्वती के रूप में पूजा होती है, इससे निर्माण अनेक रूपों में है। परमात्मा को छोड़ के उसकी शक्ति की उपासना किया रही है, और वेदांत की दृष्टि से संगत है क्या? वेदांत की दृष्टि से तो उपासना शक्तिमान की ही होती है,
आदमी सबके कार्य क्रम में है, पसीने में काटने की शक्ति है, ये पसीना देखने से नहीं मालूम पड़ता है। जब उससे लकड़ी काटते हैं तब मालूम पड़ता है इसमें लकड़ी काटने की शक्ति है। इसी प्रकार ये सृष्टि स्थिति प्रलय परमेश्वर के द्वारा होती है तो वो शक्ति संपन्न है। देवी भागवत ने कहा है कि जब मनुष्य की निंदा करनी होती है तो ये हस्तहीन है, ये पादहीन है, ये नेत्रहीन है, ऐसा कैसे उसकी निंदा नहीं होती, ये शक्तिहीन है, नपुंसक है, ये कैसे उसकी निंदा की जाती है। और शक्ति का ही ज्ञान शक्ति का रूप बुद्धि है, बुद्धिहीन कैसे निंदा की जाती है, और बद है नपुंसक कैसे निंदा कही की जाती है। तो जिसमें शक्ति नहीं है उसकी कोई उपासना क्यों करेगा। तो उपासना सर्वदैव शक्तिमान की होती है। यदि अविद्या निवृत्ति की शक्ति ज्ञान में भी न हो तो कोई ज्ञान प्राप्त करना क्यों चाहेगा। यदि महावाक्य के शब्दों में शब्द शक्ति के द्वारा अविद्या की निवृत्ति न होती हो तो कोई महावाक्य का श्रवण करना भी क्यों चाहेगा। इसलिए उपासना बिंदी की होती है, ब्रह्म की उपासना होती है माया शक्ति के आलम्बन से। नारायण की लक्ष्मी, राम की सीता, कृष्ण की रुक्मिणी अथवा राधा, शिव की गौरी उमा, उमा का आयम परमेश्वर विभो, वेदों में ही वर्णन है। तो इस तरह जो शक्तिहीन होगा माने जिससे कुछ कटेगा नहीं, जिससे कुछ कटेगा नहीं, जिससे कुछ कटेगा नहीं, जो लोग कटा देते हैं ना, दुश्मन को हटा देते हैं, मित्र को कटा देते हैं, है? जो उदासीन है उससे कटा देते हैं। तो यदि शक्ति होगी तभी उपासना होती है, अशक्त की उपासना नहीं होती है। इसलिए वृंदावन वाले तो कहते हैं कि बिना राधा रानी की उपासना से कृष्ण की प्राप्ति होती ही है, ये वृंदावन में ऐसे बोलते हैं। राधा साध्यम अपाध्य यह प्रयतते गोविंद संजातया सोयम पूर्ण सुधा रूपे परिचयम राधाम बिना काम सते। जो राधा जी की सेवा छोड़कर श्री कृष्ण का संग प्राप्त करना चाहता है वो बिना पूर्णिमा के ही पूर्ण चंद्र का दर्शन करना चाहता है। सूचना था मेरी आवाज तो राधा रानी जो है आराधना के बिना, आराधिका के बिना श्री कृष्ण की उपलब्धि कैसे होगी। ऐसे नारायण का भी कोई लक्ष्म तो होना चाहिए ना, लक्ष्म माने चिन्ह, जिनके वक्त स्थल पर लक्ष्मी वे नारायण। और कोई वैकुंठ का पार्षद भी हो तो उसके छाती पर लक्ष्मी नहीं होगी, लक्ष्मी केवल नारायण के वक्त स्थल पर ही होते। और नारायण रामचंद्र हुए राजा तो उनको खेती पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इसलिए कृषि लक्ष्मी जो सीता जी है भूदेवी, भूदेवी की का फल समझो, और श्री जानकी जी उनकी पत्नी है, और जिनके पास हीरा मोती अधिक है उनको ध्यान देना चाहिए खेती पर, कृषि पर, अन्न पर। कृषि लक्ष्मी का नाम सीता है और नारायण कृष्ण है किसान, उनके पास भूमि बहुत, गांव में बहुत, विस्तार बहुत, तो उनका ध्यान होना चाहिए रुक्मिणी पर। रुक्मिणी माने स्वर्ण, स्वर्ण लक्ष्मी रुक्मिणी है और कृषि लक्ष्मी सीता है।
इसलिए भू देवी और स्त्री देवी ये दोनों भगवान की पत्नी उनकी शक्ति के रूप में मानी जाती हैं और उनकी आराधना करनी चाहिए। एक से प्रचारक आर समाज के वो किसी दूसरे जो समुद्र में छोटे छोटे द्वीप होते हैं ना उनमें वो प्रचार करने के लिए गए कि हम वैदिक धर्म का प्रचार करेंगे। वहां महाराज लोगों को संध्या वंदन गायत्री वेद पाठ सिखाने लग गए। वर्षों हो गया बहुत लोगों ने सीख लिया पर एक आदमी ऐसा था कि जिसको वो रोज गायत्री सिखाते थे और रोज भूल जाता था फिर आके सीखता फिर भूल जाता और वे जा के उसके घर में और जिद कर करके कि हम तुमको गायत्री पढ़ा के ही छोड़ेंगे। अब महाराज बहुत दिन हो गए उसको तो याद न हो महामूर्ख था तो फिर वो उस द्वीप से जहाज पर करके लौटने लगे। जब द्वीप पानी में समुद्र में जहाज आया तो देखा पीछे से एक रोशनी उड़ती हुई चली आ रही है तो बड़ा आश्चर्य हुआ उसको। आ गई रोशनी वो तो वही मूर्ख था। उसने बताया कि महाराज आपने इतने वर्षों तक गायत्री पढ़ाया याद नहीं हुई तो फिर भूल गई आप और पढ़ा जाइए। और उनको तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि उड़ के तो आ रहा है ज्योति के रूप में और कहता है हमको गायत्री याद नहीं हुई। तो उसने कहा कि सुधारक जी महाराज प्रचारक जी महाराज मैं समझता था कि भगवान मेरी बोली समझते हैं मेरी भाषा मेरी बोली भगवान समझते हैं तो मैं अपनी बोली में उनकी प्रार्थना किया करता था अपने दिल की बात से कहा करता था परंतु आपने आकर के ये समझाया कि भगवान को केवल संस्कृत ही आती है और भाषा नहीं आती तो अब तो भाषा आप सिखा के जाइए। अब प्रचारक जी ने साष्टांग दंडवत किया महाराज वैसे तो नमस्ते बोलते हैं परंतु नमस्ते नहीं बोला साष्टांग दंडवत किया बोले आपको गायत्री सीखने की कोई जरूरत नहीं तो आप अपनी भाषा में भगवान की प्रार्थना कर लिया कीजिए संस्कृत नहीं आती है उसके लिए पछताइए मत। ओम शांति। आजकल के जमाने में तो भाई रुपया जो है वो इतना बड़ा हो गया है कि 100 रुपए का नोट देने पर तो चांदी के 2 रुपए मिलते हैं। और ऐसा है कि मैंने सुना है कि विदेश में किसी का परिचय कराना होता है तो पहले बताया जाता है कि अमुक मेन साहब के हस्बैंड से तो अब भगवान की भी पहचान बतानी होगी तो लक्ष्मीपति करके ही पहचान बतानी होगी है? तो महाराज लक्ष्मी को सब जानते हैं नारायण को कोई कोई जानते हैं इसलिए लक्ष्मी से पहले तो यहाँ भी ऐसी स्त्रियां बहुत बैठी होंगी जिनकी पहचान हजारों स्त्रियों से होंगी होगी और उनके पति को उतने लोग नहीं जानते होंगे तो आपस में वो चर्चा करती होंगी ये अमुक के पति हैं ये अमुक के भाई हैं ये अमुक के बेटे हैं। तो अब भगवान से सबके लिए भी
रुपया की जरूरत पड़ गई है और ये बात है कि जरा रुपया भी अब कागज तो सस्ते होते जा रहे हैं परंतु रुपया महंगा होता जा रहा है। कुछ दिन के बाद चांदी के रुपए देखने को मिलेंगे कि नहीं, इसमें संकट है। इसी के साथ में आज मेरे पास अभी ऐसा आग्रह हुआ है कि जरा प्रश्नों से चालू रखी है तो चलो मैं एक प्रश्न और कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल विधान कैसा होता है उसके साथ में नहीं कर रहा है। प्रैक्टिकल वेदांत ऐसा होता है जैसा मैं बोल रहा हूँ, बोला देखो धर्म की बात पूछो तो धर्म की बता दें, घर की बात पूछो तो घर की बता दें, और भक्ति की पूछो तो भक्ति की, और वेदांत की पूछो तो वेदांत की। प्रैक्टिकल वेदांत यही है कि सब में परब्रह्म परमात्मा एक जैसे ही है, चाहे स्थिति की चर्चा करो चाहे ब्रह्मा की, और चाहे तृण की चर्चा करो चाहे महामाया की, सब में एक ही परमात्मा है। यही प्रैक्टिकल वेदांत का स्वरूप है। ये प्रैक्टिकल वेदांत भी स्वामी रामतीर्थ और विवेकानंद के समय से ही प्रैक्टिकल शब्द का प्रयोग आरंभ हुआ है, नहीं तो पहले प्रैक्टिकल शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था। ओ,